विस्तार आपके गार्जियन कहने का अर्थ हुआ जो आपके खर्च को मेंटेनेंस कर रहे हैं वो माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, घर के दादा दादी, कोई हो सकता है अपने नानी घर में रहते हो तो नाना नानी भी हो सकते हैं। सबके स्थिति को देखकर अगर आप चाहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। सबके अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा है, उसको निखारने का जज्बा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अभी आप बहुत सारा बात सुन रहे होंगे कि हर जगह साइंस के बारे में बहुत सारा चीज बता रहे थे, ऋषिकेश सर भी, मुकेश सर ही बताए और भास्कर सर तो आपको सालों भर बताया ही है। तो विज्ञान, जिसमें आप विज्ञान पढ़ना शुरू किए होंगे सर, आपको बताए होंगे कि विज्ञान एक नई दुनिया है, एक आप जीवन के हर पल में, पहले अगर किसी आदमी को अगर मलेरिया बुखार हो जाता था लोग मर जाते थे, किसी का आंख अगर खराब हो जाता था जीवन भर वो देख नहीं पाते थे, लेकिन आज किसी को मलेरिया, आंख खराब होना ये साधारण सी बीमारी है, ये सारा विज्ञान का ही देन है। आज इतनी गर्मी में आज जो एक आराम, चाहे आप कूलर लगा लें, पंखा चला लें, एसी लगा लें, ये सारा आज विज्ञान का ही देन है। तो हम आपको बहुत बड़ा कोई उपदेश देने नहीं आए हैं, हम सबसे पहले एक बेटियां हैं उमें कुलसुम, अगर वो आई है तो थोड़ा सा खड़ी हो जाओ, देखें बहुत अच्छा मास लाई है। चलो क्लैप्स गो। कुछ बच्चे जो फिरोजपुर के हैं या फिर बैठ जाओ, तो जो बच्चे हैं तो उनसे जानकारी हुई थी कि आपके स्कूल में कौन अच्छे मार्क्स लाए हैं, इसी का इसका नाम आया था, सौभाग्य है उसको देख भी पाए हैं। चलो बेटा बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़ो। लेकिन देखो साथ जिसे आप पढ़ाई के साथ साथ में देखो, हम कभी किसी बच्चे को थोड़ा सा कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि तुम ये पढ़ो यहां पढ़ो वहां पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार तुमको जो इच्छा हो उस सब्जेक्ट का चयन करो। मान लो अभी एक 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 बच्चे थे, उसको गाना गाने का बहुत शौक था, तो उसके पिताजी बोले कि नहीं तुम डांस करने जाओ। अभी आपको पता होगा कोटा में एक लड़की थी, वो आत्महत्या कर ली, क्यों पता है? वो बच्ची चाह रही थी कि हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उसके माता पिता चाह रहे थे कि वो डॉक्टर बने। तो माता पिता के प्रेशर से वो क्या की, डॉक्टरी का तैयारी शुरू की और सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मन में उसका था कि हम इंजीनियरिंग करें, इंजीनियर बने। कोई कोई बच्चियों का शौक होता है, पहले अपने आप को देखो, क्योंकि आज हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि नहीं हमको ये करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे के मन में शौक होता है कि देश सेवा में जाना है, अग्निवीर बनना है, बहुत सारे। तुम सोचो आज हम लोग पहले अपने अंदर ये भावना जगा लो कि करना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में शौक होता है वो पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाना है, एएनएम बन के सेवा करना है, जीएनएम बन के सेवा करना है। मन में एक आप देखे होंगे, एक बहुत बड़ा एक छोटा सा बच्चा का देखते हैं कि कभी कभी व्हाट्सएप फेसबुक पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसका कहना था कि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही नहीं होता, शिक्षा का मकसद होता है कि आपके अंदर एक अनुशासन हो, एक शिष्टाचार हो, सारी भावनाएं। उनका कहना था कि अगर आप शिक्षा का पढ़ाई का मतलब समझ रहे हैं कि हमको नौकरी मिले तो आप जीवन भर नौकर ही बनेंगे, मालिक नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा का मकसद है, आप सुने होंगे एक बहुत बड़े विद्वान का कथन है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट।